हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियो के एक ऐसे खुलासे के बारे में जो कि आपको काफी हैरान करने वाला है। थैनोस को जो मकसद था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में पूरे यूनिवर्स को हाफ बैलेंस करना, सभी को खत्म करना स्नैप द फिंगर के साथ, ये काफी बड़ी बात थी और थैनोस उस चीज में अपना सफल भी रहा और फाइनली वो एक लास्ट सीन में खेत में जाके बैठ गया और हंसने लग गया और अपने आर्मर को ने एक स्कैरको के ऊपर टांग दिया और अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अलग से रख दिया। फाइनली ये थी हमारे सामने लास्ट चीज। अब थैनोस के साथ कुछ अलग अटके होने वाला है और वो खुलासा करा मार्वल स्टूडियो ने। थैनोस तो पूरा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जो भी हुआ अच्छा हुआ, पर अब ऐसा नहीं है। अब एवेंजर्स अपनी एक नई टीम बनाएंगे और टाइम ट्रेवलिंग करेंगे और धीरे धीरे इन्फिनिटी स्टोन्स गायब होते जाएंगे गॉटलैंड से और थैनोस को ये बात पता भी नहीं चलेगी। जब एक और दो स्टोन गायब हो जाएंगे तब थैनोस को पता चलेगा कि पिक्चर तो अब चालू हुई है और हमें एवेंजर 4 में काफी सरप्राइजिंग दिखने वाले हैं। तो गाइस ये था वो खुलासा। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें और रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।